अल्लाह डियर स्टूडेंट्स माई नेम है सैयद आरिफ हुसैन एंड टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द बेसिक्स ऑफ आटो कैड इन टूडेज लेक्चर विल सी इनिशली द डेफिनेशन ऑफ आटो कैड एंड दब्रीवेशन ऑफ आटो कैड कि आटो कैड के जो कैड वर्ल्ड है इसके डिफरेंट एब्रीवेशन क्या हैं एंड विल सी दी हिस्ट्री ऑफ आटो कैड ऑटो कैड की ओवरऑल हिस्टोरिकल परसपेक्टिव टिल द टाइम क्या हुई है एंड देन सी दी एप्लीकेशन ऑफ आटो कैड सॉफ्टवेयर को हम कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं क्यों यूज कर रहे हैं एंड देन विल सी द डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ आटो डेस्क ऑटोडेस्क जो कि एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है ऑटो कैड की उसके और भी प्रोडक्ट्स हैं तो और कौन कौन से प्रोडक्ट्स उनके पास मौजूद हैं और उसको वो कैसे यूज कर रहे हैं एंड देन विल सी द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ऑटो कैड ऑटो कैड सॉफ्टवेयर डेफिनेटली जब हम यूज़ कर रहे हैं तो इट हैज सर्टेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एज वेल सो so, हम इसके एडवांटेज डिस्कस करेंगे कि इसको दूसरे सॉफ्टवेयर पे क्यों हम तरजीह देते हैं एंड देन विल सी एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर फ्यू प्रोजेक्ट्स जो कि इसके uh, हमने भी जाके आगे वाले टॉपिक्स में करने हैं और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कैसे किए जाते हैं और उनका फाइनल आउटपुट कैसे होता है स्टार्ट करेंगे हम ऑटो कैड की ब्रीफ uh, इंट्रोडक्शन से ऑटो कैड जो है इट इज़ बीग यूज राइट नाउ इन एन वाइड इंडस्ट्रीज अगर आप बात करते हैं आर्किटेक्चर uh, की आप बात करते हैं टाउन प्लानिंग की आप बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंटीरियर डिजाइन सो डिफरेंट डिसिप्लिन के अंदर इस टाइम ऑटो कैड को यूज किया जा रहा है तो ऑटो कैड की कैड नाउ द द क्वेश्चन इज द्वेश्चन ऑफ ऑटो कैड तो कैड बेसिकली जो है इट स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन और ड्राफ्टिंग इसको हम डिजाइन के कॉन्टेक्स में भी ले सकते हैं और ड्राफ्टिंग इसके साथ एक और वर्ड भी हम यूज करते हैं दैट इज सी ए डबल डी इनिशियल सी ए डी एंड सी ए डबल डी मीन्स इट इज डिजाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग एज वेल इट इज बेसिकली टू डी एंड थ्री डी सॉफ्टवेयर जिसके अंदर वी कैन क्रिएट समू डी स्ट्रक्चर एज वेल एंड वी कैन इवन क्रिएट सम बिगर थ्री डी स्ट्रक्चर एज वेल इसके बाद अगर हम बात करें इसकी हिस्ट्री की इट वॉज स्टार्टेड बैक इन नाइनटीन सेवनटी सेवन सेवनटी सेवन के अंदर हमने इसको स्टार्ट किया सेवनटी नाइन और एटी टू के अंदर आटोडेस्क ने इसका फर्स्ट फॉर्मल वर्जन जो है वो रिलीज किया गया ऑटोकैट की इन्वेंशन से पहले द ड्राइंग्स वर मैनुअल एज इट इज क्लियर फ्रॉम द दब्रीवेशन दैट इट इज कंप्यूटर एडिड अब इसके अंदर हम वी आर यूजिंग कंप्यूटर बट बिफोर द इन्वेंशन ऑफ आटोकैड इट वॉज मैनुअल ड्रॉइंग अगर आपको सामने ये ड्राॅइंग नजर आती है तो इस ड्राॅइंग के अंदर आप देखें बहुत ज्यादा मैन uh, पावर उस वक्त रिक्वायर्ड होती थी जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ लोग एक सिंगल ड्राइंग के ऊपर वर्क कर रहे हैं इसके अंदर डिफरेंट स्टिचिंग हो रही है ड्राॅइंग्स के अंदर बट आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ कैड ये सारे इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो गया क्योंकि इसके अंदर कंप्यूटर का यूज आ गया और कंप्यूटर का यूज के आने के साथ इसकी एफिशेंसी और प्रसियन में इजाफा हो गया अब ये डिफरेंट आपके सामने जो है वो हम आइकॉन्स देख सकते हैं ये विद पैसेज ऑफ टाइम्स राइट फ्राम एटी टू टिल प्रोडक्ट्स रिलीज की हैं उसके साथ साथ उनके डिफरेंट आइकॉन्स हैं टिल द टाइम तो ये इनका वर्जन है जिसके साथ हमने इसको किया है एंड अगेन डिफरेंट इसमें 2016 जो कि हम अभी यूज करने जा रहे हैं उसका हमने देखा वो बहुत ज्यादा हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट डिसिप्लिन में इसको यूज किया जा रहा है आर्किटेक्ट्स वो इस सॉफ्टवेयर को डिजाइनिंग के अंदर यूज कर रहे हैं एक्सटीरियर के अंदर भी और इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर भी इसको यूज किया जा रहा है टाउन प्लानर्स जो हैं, वो इस सॉफ्टवेयर को मेनली स्कीम डिजाइन के अंदर यूज कर रहे हैं जैसा कि आपके सामने एक स्कीम डिजाइन नजर आ रहा है इसके साथ टाउन प्लानर्स यूज कर रहे हैं

डिफरेंट एप्लीकेशन आपको बहुत सारे डिफरेंट फॉर एग्जाम्पल गूगल करें आप तो वहां पर आपको नजर आएंगे इट्स की इसकी वाइड एप्लीकेशन है इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड इफ यू टॉक अबाउट अलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सो इट इज़ बीग यूज इन वायरिंग इसको हम डिफरेंट अलेक्ट्रिकल में क्योंकि इक्विपमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो वायरिंग के अंदर हम इसको यूज़ कर रहे हैं इंटीरियर डिज़ाइनर इसको इनर डिज़ाइन के लिए कैड को यूज़ कर रहे हैं फिक्सचर प्लेसमेंट के लिए हम इसको यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल हम जब एक हाउस डिज़ाइन करते हैं तो इट हैज मैन्यूफिक्चर्स उसके अंदर उसकी चेयर्स uh, की प्लेसमेंट टेबल की प्लेसमेंट्स ईच एंड एवरी थिंग इंटीरियर के फिक्सचर्स की जब हम बात करेंगे उसके अंदर भी इसको यूज़ किया जा रहा है इसको ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर भी यूज़ किया जा रहा है ऑलमोस्ट इसकी बहुत ज्यादा और डाइवर्स एप्लीकेशन यू विल सी इन इन एवरी फील्ड एंड दिस इज बीइंग यूज्ड इन एवरी फील्ड तो ये सामने जो आपको पिक्चर नजर आ रही है अगर हम कंबाइन करें इन सारी फील्ड्स को राइट फ्रॉम सिविल टाउन प्लानिंग आर्किटेक्चर तो ये पिक्चर के अंदर सारी फील्ड्स को समराइज़ करके इसकी एप्लीकेशंस के ऊपर हम बात कर रहे थे अगर हम आगे मूव करें एडवांटेजेस uh, की तरफ के यूजिंग आटो कैड कौन से ऐसे एडवांटेजेस हैं जो ऑटो कैड को दूसरे डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर हैं सो so, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी प्रोडक्टिविटी की और क्वालिटी ऑफ ड्राॅइंग्स इसके अंदर जितनी भी ड्राॅइंगस बनती हैं इस टाइम एक बेसिक हाउस प्लान से लेकर एक मल्टा स्टोरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की जब जहाँ तक आप देखेंगे आपको कैड की बहुत ज्यादा एप्लीकेशन नजर आएंगी एंड वन ऑफ दी मेन एडवांटेजेज क्वालिटी ऑफ़ द प्रोडक्ट इसके अंदर से जब हम जो ड्राइंग निकालेंगे जब वो बाहर आएगी उसकी जो क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी है वो बाकी सॉफ्टवेयर से क्वाइट डिफरेंट और क्वालिटी uh, वाइज ये बेटर होगा सेकेंड अगर हम बात करें जो मेन एडवांटेज uh, है कैड यूज़ करना दैट इज़ दैट इज द प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी ऑफ ऑटो कैड इवन बहुत सारे हमारे पास जो लेटेस्ट स्पेशल प्लानिंग के सॉफ्टवेयर भी आए हुए हैं उनके ऊपर हम प्रेफर करते हैं ऑटो कैड को बिकॉज इट हैज मोर एक्यूरेसी एंड प्रोसीजन एज कंपेयर टू अदर सॉफ्टवेयर कैड के अंदर जैसे कि हमने पहले बताया कि बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर चाहे वो एक 50 स्टोरी प्लाजा ही क्यों नहीं है उसकी भी हम इजीली और बहुत बेटर प्रोडक्टिविटी के साथ ड्राइंग बना सकते हैं और इट इट इज अ काइंड ऑफ लाइट सॉफ्टवेयर ये कोई इतना बहुत ज्यादा हैवी सॉफ्टवेयर भी नहीं है और इसके अंदर पर्टिकुलरली जब हम लेयर्स फॉर्मेशन पे चले जाएंगे जब हम आगे जाके जिन टॉपिक्स में बात भी करेंगे तो लेयर्स फॉर्मेशन में जब हम जाएंगे तो लेयर्स इस काम को और लाइट कर देती हैं इसके अंदर डिफरेंट फीचर्स को हम डिफरेंट लेयर्स में बना देंगे सो सो कट शॉर्ट इट हैज़ मल्टीपल एडवांटेजेस बट एट द सेम टाइम इट हैज़ सम लिमिटेशन एज वेल एंड वन ऑफ द लिमिटेशन जो ऑलमोस्ट हर सॉफ्टवेयर के अंदर होती है फाइल करप्ट हो सकती है फाइल जैसे ही करप्ट होगी या कैड आपका बंद भी हो सकता है तो वो हम विद पैसेज ऑफ टाइम जब आगे जाएंगे तो बैकअप के तरीके भी हम देखेंगे दो वी कैन हम इन लिमिटेशंस को कम कर सकते हैं यूजिंग सर्टन मैथड बट बट इट हैज सर्टन लिमिटेशन और इनिशली जब आप इसके ऊपर काम करेंगे तो उस वक्त विल टेक सर्टन टाइम बट वंस फॉर एग्जाम्पल यू आर डन विद योर बेसिक डाटा एंट्री बेसिक डिजाइनिंग

डिफरेंट सॉफ्टवेयर एज वेल जिसके अंदर आपकी कैड है थ्री डी मैक्स इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर इसको भी हम यूज करेंगे आगे जाके थ्री डी मैक्स के कोई सर्टन टॉपिक भी हमारे लेक्चर्स में जब आएंगे then, Rivet, इस बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है पर्टिकुलरली डिजाइनिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर पाइलिंग के अंदर फाउंडेशन के अंदर हम इसको यूज कर रहे हैं एंड देन ऑटो कैड मैप ये रिसेंटली ऑटोडेस्क का एक इन्वेंटेड सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर इन्होंने स्पेशल प्लानिंग एक जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम कुछ एक नए सॉफ्टवेयर को और कैड को आपस में कंबाइन किया है और इसका जो स्टूडेंट और फ्री वर्जन है दैट इज अवेलेबल इन नेक्स्ट टॉपिक जब हम अकाउंट क्रिएट करने जाएंगे उस क्रिएशन के अंदर हम uh, जब अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो विल देन विल बी एबल टू डाउनलोड डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ ऑटो कैड फाइनली इस टॉपिक के लास्ट सेक्शन की तरफ मूव प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स कैड के अंदर हम क्या क्या बना सकते हैं हम बहुत सारे इन फर्दर टॉपिक्स के अंदर दो से तीन प्रोजेक्ट्स बनाएंगे भी सही फिलहाल हम इन जस्ट ओवरव्यू कर लेते हैं कि कौन से ऐसे हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हम कैड के यूज़ करते हुए बना सकते हैं तो ये अगर आप सामने देखें तो आपको सामने एक बेसिक हाउस प्लान थ्री टू फाइव मरला जिसका साइज़ है ये आपके सामने विजिबल है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ओवरऑल रूम का हमने उसकी पार्टीशन हैं उसका आपको सेहन नजर आ रहा है देन ड्राइंग रूम बेडरूम तो ये एक बेसिक सिंपलेस्ट प्रोजेक्ट जो कैड के अंदर हो सकता है वो ये है अगर हम इससे आगे मूव करें थोड़ा सा आप फर्दर यहां पे आपको अलॉन्ग विद 2D आप 3D भी देख सकते हैं जो कि हम कैड के अंदर फर्दर जाके आगे बनाते हैं कैड के अपने अंदर भी थ्री का फीचर अवेलेबल है बट जब हम आगे मूव करेंगे तो थ्री डी मैक्स के अंदर भी वी कैन इम्पोर्ट कैड फाइल्स तो ये हमारे पास जो आपके सामने पिक्चर नजर आ रही है इसके अंदर कैड डी भी अवेलेबल है एंड उसी टू डी को अगर इफ वी वॉन्ट टू कन्वर्ट इन टू थ्री डी फर्दर ये सामने जो हमारे पास नेक्स्ट नजर आ रहा है, ये बहुत है. आगे जाके हम डिजाइन करेंगे इस scheme, हर सिटीज के अंदर आप देखेंगे हाउसिंग स्कीम बन रही है तो यह हाउसिंग स्कीम इस तरह के मैप्स पहले भी शायद गो थ्रू किया हो तो ये एक हाउसिंग स्कीम जो है दिस इज बिंग डिजाइन यूजिंग जस्ट टू समराइज माई लेक्चर आज का जो टॉपिक था दैट वॉज इनिशियली ओवरऑल हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव इवेल्युएशन ऑफ कैड कहाँ कहाँ हुई है हमने एडवांटेजेस देखे एप्लीकेशन देखी एंड लास्टली डिफरेंट प्रोजेक्ट्स देखे सो थैंक यू फॉर बींग विद एंड अल्लाह